क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हो और यूज करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से और कैसे परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने क्रोम के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंपेटिबिलिटी का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंपेटिबिलिटी मोड में, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड 4 का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क करना है। और यहाँ पे अगर बाय द वे कोई अनदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड, जैसे विंडोज विस्टा या विंडोज 7 आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है या सर्विस पैक 1 सिलेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे विंडोज 8 को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर देना है। मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर के वापस आपके इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे टारगेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा और यहाँ पे एक पाथ शो हो रहा होगा टारगेट पे, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके एंड पॉइंट पे चले जाना है। और इन पॉइंट पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है इसके पाथ में। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो स्पेस टाइप करना है, स्पेस डबल हाइफन नो सिंगल हाइफन सैंडबॉक्स, आपको इसे टाइप करना है। जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूं, स्पेस डबल हाइफन नो सिंगल हाइफन सैंडबॉक्स, आपको यहां पे इसे टाइप करना है। इस तरह से टाइप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको अब इसे ओके कर देना है। मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे मैं एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, ms config, आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके करना है। अब आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। सर्विसेज वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज का, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद और यहाँ पे जितने भी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्रोम के रिलेटेड, मैंने क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे जितने भी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जैसे फाइंड आउट करता हूँ क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 डिफरेंट सर्विसेज आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड, तो आपको इन सर्विसेज को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। इन सर्विसेज को अनचेक करने के बाद और आपको यहाँ पे फिर से और अगेन आपको चेक करना है कि आपका यहाँ पे क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड और भी सर्विसेज वगैरह है कि नहीं। जितने भी सर्विसेज हैं तो यहाँ पे उन सभी को चेक अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद तो आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद, जैसे यहाँ पे मैं अभी रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको और भी आगे आपको प्रोसेसेस बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पहले एरर आ रहा था क्रोम ब्राउजर में, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको वापस से अपने रन प्रोग्राम में जाना है और उसी कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, ms config, देन ओके करना है। और वो जो सर्विसेज को आप वहाँ पे अनचेक किए थे, तो आपको अगेन आपको उन सभी सर्विसेज को आपको वहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे चेक मार्क कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको पहले इन जितने भी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं उन्हें आपको यहाँ पे अनचेक करके अप्लाई करना है, फिर चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, फिर अगेन फिर आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देन ओके करना है और एक बार अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके क्रोम में वो प्रॉब्लम जो आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होते हैं, तो आपको इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, मेनू आइकन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्रोम ब्राउजर में, तो आपको इस ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इस पे
मैंने इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे बेसिक पे जाने के बाद यहाँ पे बेसिक में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे एडवांस में क्लिक रहता है तो आपको यहाँ पे बेसिक में ही क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल टाइम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैंने टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम को सिलेक्ट करना है। और यहाँ भी जितने भी ऑप्शन है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, अदर साइट डेटा या कैसे वगैरह, आपको यहाँ पे इन तीनों को ही आपको यहाँ पे चेकमार्क कर लेना है। इन तीनों को चेकमार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर देना है, क्योंकि अनवांटेड ब्राउजिंग हिस्ट्री या अनवांटेड कैसेज वगैरह कलेक्ट हो जाने के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे उन सभी को क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो सेकेंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहता है, ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका टर्न ऑन होता है तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, इन दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउजर में अनवांटेड बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह अभी रन करते रहते हैं जिस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मैंने ये एरर भी आता है मैंने अनवांटेड बैकग्राउंड ऐप्स के कारण भी। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का एक बटन आपको यहाँ पे शो होगा, टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने क्रोम को एक बार रिलॉन्च कर लेना है। रिलॉन्च करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है। मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में आपको अगेन आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, आप एक बार अपने क्रोम ब्राउजर क्या कर सकते हो, आप एक बार अपने क्रोम ब्राउजर को, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे एक बार अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अबाउट क्रोम ब्राउजर पे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेटिंग का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे अपडेट मैंने अपडेट कर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, मैंने अपडेट करना है। फिर उसके बाद आपको अगेन आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने इसे अपडेट करने के बाद। अगर तब भी वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को रीसेट करने के लिए बताऊंगा कि आप यहाँ पे रीसेट करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीसेट का ऑप्शन है तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टोर सेटिंग्स टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप इस पे क्लिक कर आप अपने क्रोम ब्राउजर को रीसेट कर सकते हो। सिक्स नंबर प्रोसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, विंडोज़ के स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं आप इसे ओपन करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर करना है। अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है कि रिस्टोर करने से क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि रिस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो दो तीन दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा, मैंने आप यहाँ पे रिस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो दो तीन दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपका जो सिस्टम है यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले जैसा भी था वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम यस्टरडे को नहीं था या उससे पहले वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, मैंने किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया जैसे क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो गया या आपको विंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम आपके सिस्टम में होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अगर बाय द वे यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है तो आपको इसे चेक मार्क करके आपको इसे नेक्स्ट करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं होता है चूज अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपके केस में अगर आपको यहाँ पे सिंगल डेट यहाँ पे शो होता है तो आपको उसी डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी यहाँ पे डेट शो होते हैं तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे मेरा यहाँ पे ये सिंगल ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसी सिंगल डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर रहे हो, तो रिस्टोर करने से पहले आपके सी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या इंपॉर्टेंट फाइल अगर आप सेव किए हो, या डॉक्यूमेंट वाले फाइल में अगर आप सेव किए हो, या डाउनलोड वाले फाइल में है, या डेस्कटॉप पर भी है, तो मैं बोलूँगा कि आप उस फाइल को या उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप मैंने मूव कर लीजिए, मैंने शिफ्ट कर लीजिए। डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव भी है तो आप उसमें भी आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव कर लेने के बाद तभी आपको यहाँ पे इसे रिस्टोर करना है, मैंने अपने सिस्टम को रिस्टोर करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सी ड्राइव ही जो आपका होता है, मैंने एक्चुअली सी ड्राइव ही आपका रिस्टोर होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सी ड्राइव रिस्टोर होता है जिस कारण से आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है अगर आपका बाय द वे सी ड्राइव में, तो इंपॉर्टेंट डेटा भी आपका रिमूव हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने डेटा को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे रिस्टोर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे इसे अब फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक का भी टाइम लग जाता है, वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जरा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रिस्टोर कर लेना है, और रिस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।